नगर पालिका निगम बुरहानपुर की सामान्य परिषद सम्मेलन परमानंद गोविंद जिवाला ऑडिटोरियम में हुआ। इस दौरान नगर परिषद का सम्मेलन हंगामेदार रहा। कांग्रेस की महिला पार्षद मीना मौर्य ने सदन का वॉकआउट किया। निगम कर्मचारी ने कुछ महीने पूर्व अभद्रता पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई, तो वहीं अम्बेडकर प्रतिमा के टेंडर नहीं होने से नाराज कांग्रेस महिला पार्षद ने सदन में फर्श पर बैठकर विरोध जताया। समर्थन में सभी कांग्रेसी पार्षद भी फर्श पर बैठ गए। हंगामे के चलते निगम आयुक्त के आश्वासन के बाद पार्षदों ने हंगामा समाप्त किया। इसके साथ ही सम्मेलन में निगम के नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में विधायक निधि से करीब 1,35,00,000 के ट्यूबवेल होने का मामला उठाया। पार्षदों द्वारा उठाया गया वो बोरिंग की राशि विधायक ने अपने विधायक निधि के द्वारा जिला योजना समिति में उनकी शासकीय स्वीकृति कराकर विभिन्न स्थान पर भेजा। नगर निगम से किसी तरह का उनका कोई ऐसा कांग्रेस नहीं बैठा कि इस वार्ड में समस्या है, तो यहाँ से मैं परिषद में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का भूमि पूजन भी हो चुका था और वहाँ पर प्रतिमा बैठना चाहिए था, ये प्रस्ताव परिषद में ले चुका था, पर यह कि उनको प्रतिमा को वर्क ऑर्डर देने के लिए माननीय पार्षद जी का ये कहना था कि भाई तुमने प्रस्ताव पास कर दिया, सब कर दिया, तो उसका वर्क ऑर्डर भी हमें दे दिए कि तो महापौर आयुक्त महोदय हम सबकी सहमति से बाबा साहेब की प्रतिमा का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। हंगामा ये हुआ कि प्रश्नोत्तर काल का समय था, कुछ विधायक निधि के बोर करा करके छोड़ दिए गए, गड्ढे कराए नगर निगम ने, छोड़ दिए। उसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि भाई आपने बोर करा दिया, गड्ढे करा दिए, एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल हो गया, आपने उन गड्ढों में मोटर नहीं डाली, क्रेसिंग पाइप नहीं डाले, जिसके कारण वो बोर से पानी निकल के जनता तक नहीं पहुँचा। आपको इसलिए चुनकी दिया कि आपने आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, इसलिए मजबूरी के कारण आपको आज